पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें चरण में 29 अप्रैल को 35 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे 283 प्रत्याशियों में से 23% ने अपने खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की जानकारी दी है। इस जानकारी को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने प्रत्याशियों द्वारा नामांकन के साथ दाखिल हलफनामे के विश्लेषण के आधार पर संकलित किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि कुल 283 प्रत्याशियों द्वारा दाखिल हलफनामों का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 64 ने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की जानकारी दी, जबकि 50 प्रत्याशियों के खिलाफ गंभीर आरोप के अपराध के मामले दर्ज हैं। प्रमुख पार्टियों में माकपा के 10 में से 7, तृणमूल कांग्रेस के 35 में से 11 प्रत्याशियों एवं भाजपा के 35 में से 21 प्रत्याशियों और कांग्रेस के 19 में से 10 प्रत्याशियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की घोषणा की है। वहीं माकपा के 10 में से 2 प्रत्याशियों, तृणमूल कांग्रेस के 35 में से 8 प्रत्याशियों और भाजपा के 35 से 18 प्रत्याशियों ने गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की जानकारी निर्वाचन आयोग के समक्ष जमा हलफनामे में दी है।